नमस्कार साथियों, इस टॉप कॉर्नर पर हमें किस प्रकार अपनी लॉगिंग आईडी बनानी है जिससे हमारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फिलअप कर सकें, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रांसफ़र के लिए लॉगिंग आईडी बनाने का मॉड्यूल बताया था। अब लॉगिंग आईडी पर हमें आगे क्या कार्य करना है उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल से ब्राउज़र में सारा दर्पण खोलिए। जैसे ही आप सारा दर्पण खोलेंगे तो एक लिखा हुआ आएगा स्टॉप कॉर्नर। स्टॉप कॉर्नर को आप जैसे ही खोलेंगे तो देखिए ऊपर लिखा हुआ स्टॉप लॉगिंग। स्टॉप लॉगिंग को आप खोलेंगे तो यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा आपको डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास जो मैसेज आया है उसके ऊपर दिया हुआ है वही डालना है। जैसे ही आप स्टॉप कॉर्नर आपके लॉगिंग आईडी नंबर, पासवर्ड जो आपके मैसेज आया है और कैप्चा डाल करके लॉगिंग करेंगे तो इस प्रकार आपके जो लॉगिंग है वो हो जाएगा। लॉगिंग होते ही आपके सामने ये इस प्रकार पिक्चर खुलकर सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको साइड में जो तीन लाइन दिखाई दे रही इसको दबाना है। यहाँ पर लिखा हुआ स्टॉप कॉर्नर, स्टॉप कॉर्नर पर आपको जाना है। सबसे पहले है बेसिक प्रोफाइल। बेसिक प्रोफाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। बेसिक प्रोफाइल जैसे आप लगाओगे तो आपके जिस प्रकार आपने स्टॉप कॉर्नर पर पहले लॉगिंग आईडी बनाई थी उसी प्रकार आपकी स्कूल में जो पर्पल 10 भरा हुआ है उसके अनुसार ही आपके पूरा खुल जाएगा। इसमें आप चेकिंग कर लीजिए कोई गलत तो आपके भरा हुआ नहीं है। जब ये सारा आपके सामने खुल कर आ जाए तो इसको आप कन्फर्म बेसिक प्रोफाइल कर दीजिए ताकि ये सारा कन्फर्म हो जाएगा। ये जब कन्फर्म हो जाए तो आप वापस स्टॉप कॉर्नर पर डिटेल प्रोफाइल जो दिखा हुआ है इसे आपको अपलोड करना है। इसकी जो वो सूचनाएँ हैं वो आपको सारी देखनी है, सूचनाएँ सारी चेक करके आपको इसको भी कंफर्म करना है। इसमें आपके सारे जो भी आपने प्रपत्र 10 में भरा है वो सारे का सारा खुल करके आपके सामने आएगा। वो सारा आप कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपको कंफर्म डिटेल्स प्रोफाइल दावा करके कंफर्म कर देना है ताकि आपकी सारी की सारी डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे जा करके आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार सामने आपको खुलकर सामने आएगा। तो इसमें आपको लिखा हुआ आएगा कि अभी स्थानांतरण प्रक्रिया है तो ऑनलाइन आवेदन चालू नहीं है। जब चालू होगा तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ आएगा, उस समय आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक आपका कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें और इस प्रकार अपना स्टॉप कॉर्नर पर लॉगिन आईडी करके उसको प्रोफाइल कंप्लीट करें।